जरा अपन बंधन को देख ले, क्या बंधन है। आदमी घर से निकलता है और बच्चों के कितने फोन आते हैं, आप कहाँ हो, किस जगह हो, घर क्यों नहीं आए, समय पे भोजन क्यों नहीं किया, या वो कहीं भी आदमी खड़े हैं, वो उनको बार बार बेटियों की, बच्चों की, परिवार की जो अनावश्यक याद सताती है वो सब बंधन है। जो कर्तव्य है वो तो ठीक है, ऐसा संत महात्मा नहीं कहते कि आप अपने घर का ख्याल मत करो या घर का ध्यान मत करो, ऐसा नहीं कहते हैं। परंतु अनावश्यक जो मोह आता है, अनावश्यक वो जो बातचीत करते हैं, उससे क्या है, और ज़्यादा जीवात्मा मोह के बंधन में बंधता चला जाता है। तो बंधन को अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो मोक्ष को भी आप समझ जाओ। मोह को हटाना और किए हुए कर्मों को भजन से काटना ही मोक्ष है। अब कई लोग कहते हैं गुरु ज्ञान दे के मोक्ष करते हैं। गुरु ज्ञान इसलिए देते हैं कि आप ज्ञान को प्राप्त करके पहले जैसी भूल मत करना, इसलिए ज्ञान देते हैं। और कर्म करो तो अच्छा, बोलो तो सच बोलना, देखो तो अच्छा देखना, सुनो तो अच्छा सुनना। तो गुरु आपको इस तरह से सलाह देंगे और आप उसके ऊपर तत्पर होके करेंगे, भरोसा करके, लगन से, तब गुरु का जो मुक्ति करने का जो साधन उन्होंने लगाया है वो साधन काम करेगा। अगर अपन सारा गुरु के ऊपर ही छोड़ देंगे तब तो बहुत मुश्किल है। तो गुरु मुक्तावे जीव को 84 बंध छोड़, मुक्त प्रवाना देत गुरु जमसे तिनका तोड़। अब साहेब कहते हैं कि तुम मुक्त होना चाहते हो तो आपकी सुरत को गुरु के द्वारा, युक्ति के द्वारा शब्द में लीन करो। तो जो व्रेही जन है, जो वैराग्यवान है, वो अपनी स्थिति को प्राप्त करते हैं और बैठ करके भजन साधन करते हैं जितना बन सके, और बाकी घूमते हुए भी करते हैं और वाचिक मतलब जहाँ बैठते हैं वहाँ अपने सच्चे सद्गुरु की प्रशंसा करते हैं। तो क्या होता है, एक तो कथा करते थे, मेरे बाप दादा दादा ऐसे हैं, मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे मतलब कुल के जो हुए हैं उनकी महिमा करते थे। परंतु जब उसे पता चला कि आत्मा का कुल अलग है ना, तब वो गुण की वार्ता करने लगे, गुण को ढूंढने लगे। तो गुरु मुक्तावे जीव को, उसमें जीव को भी होशियार होना है, केवल गुरु ही करेंगे ऐसा भाव नहीं करना। गुरु मुक्तावे जीव को 84 बंध छोड़ और मुक्त प्रवाना देत गुरु जमसे तिनका तोड़। अब कई कई भोड़े लोगों को समझ में नहीं आता कि हम तो बंधे हुए हैं नहीं यार, कहाँ बंधे हुए। अरे भाई, आपके घर में कुत्ता बंधा है और उसको आप भोजन देते हो तो वो भोजन करता है, कल आप ये देह छोड़ के उसमें चले गए, है ना, तो आपको कितना दुख होगा।
गली में सुअर है, गधे हैं, आवारा जानवर है, वो घूम रहे हैं। आज दिन भर घूमे होंगे, उनको पेट भी नहीं भरा होगा, तो क्या वो बंधन में नहीं है? वो भी बंधन में है। स्वतंत्र होते हैं तो पेट भर के खाते, मौज करते। तो ये कहना सरल है कि मैं मुक्त हूँ, ये मतलब ये उसकी जीव की जो सोच है अज्ञानतावश कि मैं मुक्त हूँ। मुक्त तो तब होगा जब साधन भजन करेगा, सुमिरन करेगा। मनुष्य बनाया है परमात्मा ने, परंतु बिना ज्ञान के तो तू पशु है। इस शरीर से भले मनुष्य दिख रहा है, पर जब तक न खाने का बोध, न पीने का बोध, न बोलने का बोध और न अच्छी सोच है, तो वो मनुष्य कैसे बना? वो तो मनुष्य बन के भी पशु है, कभी कुछ कर्म करता है। तो मुक्त होने की बात तो दूर रही, वो गुरु संतों से जैसे जैसे दूर होता है वैसे जैसे ज़्यादा योनियों में पढ़ने की तैयारी होती है। तो गुरु मुक्तावे जीव को, संसर्ग में आएगा, साथ में बैठेगा, उठेगा, सत्संग में आएगा, तब ना वो मुक्त आएंगे। तो गुरु मुक्तावे जीव को 84 फंद छोड़, काल के 84 फंद है, 84 प्रकार के योनियां है, उसमें जीव को भटकाता है, 84 बंद छोड़। मुक्त प्रवाना देत गुरु, जम से तिनका तोड़। जो मुक्त होने का परवाना है वो सदगुरु कृपा करके देते हैं। तो ये क्या है मुक्त प्रवाना? गुरुदेव के द्वारा जो पान पे प्रसाद मिलती है वो एक अच्छी बात है और उसको आदर के साथ पाना है, परंतु परवाना का मतलब होता है बीड़ा उठाना कि मैं इतनी सेवा करूँगा, मैं इतना भजन करूँगा, मैं प्रचार करूँगा। गुरु की आज्ञा का जो बीड़ा उठाता है ना, वो आध्यात्मिक परवाना है। और वो परवाना कोई शिष्य झेल देता है फिर उसे काल कुछ भी नहीं कर सकता। तो मुक्त परवाना देत गुरु है ना, जम से तिनका तोड़। कबीर साहब का मार्ग शब्द का मार्ग है, नाम का मार्ग है। नाम तो भजन करना ही है, वो उसके साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए। तो ज्ञान निहितत्व दर्शनम, ज्ञान से निहितत्व का दर्शन होता है शास्त्रों का कहना। ऐसे ही जो नाम है वो स्वरूप को मिलाता है। तो समझना यह है कि संत महात्मा नाम भजन करने का क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नाम मिलावे रूप को और जो जन भेदी होए। जब ही रूप हृदय बसे तो शुदा रहे नहीं कोई। अब यहाँ पे साहिब अपना मत कह रहे हैं कि कोई भी नाम भजन करने वाले की कोई इच्छा बाकी नहीं रहेगी। मतलब पहली बात तो नाम भजन करने वाला बुरी इच्छा करेगा ही नहीं। तो जो उसके भूमिका से जो इच्छा उसके अंदर आएगी सब सदगुरु पूरी करते जाएंगे। हालांकि भक्ति मार्ग में इच्छा को महत्व नहीं देते, भावना को महत्व ज़्यादा देते। तो फिर भी अगर इस इच्छा की बात को अगर आप समझेंगे या सुनने वाले समझेंगे तो आपकी क्या इच्छा है।
तो धीरे 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 वो सारी इच्छा भी वो गुरु की कृपा से, नाम भजन से, उसके प्रताप से वो इच्छाएं भी पूरी हो जाती है। पर जो सच्चे भक्त होते हैं वे इच्छाओं के जाल में नहीं पड़ते। तो इसलिए कहते हैं कि इस ज्ञान से जिसकी सद्गुरु दर्शन की इच्छा के अलावा और कोई इच्छा अब बाकी नहीं रही, कोई मठ की, कोई जो भी पद की कोई इच्छा बाकी नहीं रही, मान की, सम्मान की, तो मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि वो ऐसा भक्त मस्त रहता है, मौज करता है, उसको जो मिलता है वो पा लेता है, जहाँ भी उसको बैठा हो बैठ जाता है और वो अपने हाल में मस्त रहता है। तो उस मस्त अवस्था को मुक्त मुक्ति कहा गया। मुक्त प्रवाणा देत गुरु, देत का मतलब ज्ञान देना। जम से तिनका तोड़, ये कौन है जम? ऐसे शास्त्रों में 14 लोक बसे जम, 14 वैसे भी कहा गया। तो 14 जम 14 लोकों में रहते हैं, ऐसे ही 14 प्रकार के जम बता दिए गए, उनके नाम भी बता दिए गए। परंतु सबसे बड़ा जम अगर कोई है और एकदम शॉर्ट में समझना है तो अज्ञानी मन है। जो अज्ञानी मन है वही सबसे बड़ा काल है, जम है।